हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर जिला कांग्रेस के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के देश के लिए बलिदान और उनके द्वारा किए गए कामों को याद किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, पूर्व विधायक एवं महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, दीपक शर्मा, सुनील शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पटियाल भी मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी गई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित करके श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया है। उन्होंने बताया कि पूरा देश आज महान विभूतियों को याद कर रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में जिला कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया गया है, जिसमें किसान कानून को लेकर आगामी दिनों में रूपरेखा तैयार की गई है। ये बैठक एक तो 31 अक्टूबर की वजह से है, जिसमें कि हमें एक तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि थी, वो उसका आयोजन करना था, और दूसरा जो हमारे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी आज जयंती थी। तो इन एक तो ये विषय था हमारा, इन दोनों महानुभावों के जो एक की पुण्यतिथि और एक की जयंती मनाने का, और इसके साथ जो हमारे महात्मा वाल्मीकि जी हैं जिनकी आज जयंती है, उसको भी हमने इस बैठक में उनको भी हमने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। कानून जो कृषि कानून बने हैं उसके विरोध में बड़ा आक्रोश रहा है हमारे सभी सदस्यों में और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी में एज ए होल, तो उसके बारे में भी हमारी तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया जो हम आगे अपने इसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। और हमने जो कृषि कानून के विरुद्ध जो हमारा हस्ताक्षर अभियान चला था उसके बारे में भी चर्चा की, और उसमें भी बहुत सारे हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों के हस्ताक्षर इस किसान विरोधी बिल के विरोध में हो रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक एवं पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने बैठक के दौरान दोनों विभूतियों के द्वारा देश के बलिदान को याद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी, उसको हमने श्रद्धांजलि इंदिरा गांधी जी और सरदार पटेल जी को दी। एक की पुण्यतिथि थी और दूसरे की जयंती थी। दोनों ऐसे महान लीडर थे जिन्होंने इस पूरे देश के लिए बहुत ही कार्य किए हुए हैं, जिनके बारे में मेरा बोलना लगता है बहुत छोटा रहेगा। और आज जो एजेंडा था इस मीटिंग में वो था एक किसान बिल के ऊपर, कि ये किसान बिल जो है ये किसानों के विरोधी है जो केंद्र सरकार ने पास किया है, और इसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान चालू है जो कि हम हर किसान से उसके हस्ताक्षर ले रहे हैं कि वो इस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में सब्जियां और हर चीज़ जो है इतने दाम उनके बढ़ गए हैं कि गृहिणी क्या हर कोई महसूस कर रहा है कि ये महंगाई उनको अंदर से अंदर खाई जा रही है। और आज मैं ज़रूर विरोध करूंगी कि जो हमारे हिमाचल सरकार ने एक निर्णय लिया है बिजली के मीटर के बारे में, कि बिजली के मीटर जो पहले लोगों के अपने जो दायरे थे उसके तहत थे, लेकिन अब 11,000 का एक मीटर लगाना ये लोगों को बड़ी आफत हो जाएगी, और लोग इसका बहुत विरोध कर रहे हैं, और हम खास करके जो कांग्रेस पार्टी है इसके खिलाफ एक यहाँ पे ज़रूर प्रदर्शन करेंगे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आज ये कुछ बीजेपी दलित के
खिलाफ काफ़ी चल रही है, क्योंकि आज वाल्मीकि जी का भी दिवस है, इसलिए मैं इस बात की चर्चा कर रही हूँ। जहाँ पर भी आप देखो, बेशक यूपी हो, बेशक हरियाणा हो, यहाँ पर जो दलित महिलाएं हैं उनके साथ अत्याचार भी हो रहे हैं, और अचानक उनके साथ उनको रात को ही, जैसे आपका यूपी में हुआ हाथरस में, उसको जला दिया गया। और इस प्रकार हमारी जो शैलजा कुमारी है हरियाणा की पीसीसी प्रेसिडेंट, उसके साथ भी ठीक व्यवहार नहीं किया गया जब उसने प्रोटेस्ट एक रैली निकाली। तो मैं समझती हूँ ये दलित विरोधी जो एक कार्य कर रही है बीजेपी, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये समाज अभी तक पिछड़ा है, इस समाज को ऊपर लाना हमारा कर्तव्य है। और मैं ये चाहूँगी कि ये इनकी तरफ भी नज़र रखें, और कांग्रेस पार्टी तो इनके साथ खड़ी है, पर अगर पूरा देश इनके साथ खड़ा रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।